पुनः आपका हमारे YouTube चैनल पे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 15 क्वेश्चन हमने प्रोवाइड किया था इकोनॉमिक्स का, और आज 16 शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन विश्व बैंक से संबंधित नहीं है। दोस्तों यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल नियम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये सारे जो हैं विश्व बैंक से रिलेटेड हैं, जबकि विश्व व्यापार संगठन जो है वो विश्व बैंक से रिलेटेड नहीं है। एक व्यापार संगठन जिसकी स्थापना वो 1 जनवरी 1995 को हुई थी। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण इंडियन इकोनॉमिक किस चीज़ को शो करती है। तो दोस्तों यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की उपस्थिति पाई जाती है, अर्थात दोनों में सह अस्तित्व पाया जाता है। तो आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। दोस्तों इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें ए कृषि जो है वह भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। दोस्तों कृषि खनन आदि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि विनिर्माण अर्थात उद्योग वगैरह जो है वह द्वितीय क्षेत्र के हिस्से माने जाते हैं, जबकि होटल, बीमा, सॉफ्टवेयर आदि सेवा क्षेत्र जो है तृतीय क्षेत्र में माने जाते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैटेगराइज किया गया है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और उससे पहले हम आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि अभी तक जो हमारी जो आपसे मुखातिब हुए थे, हमने आपको व्हाट्सएप नंबर अपना प्रोवाइड किया था, उसमें आप यथाशीघ्र जुड़ने का प्रयास करें, इसके अकॉर्डिंगली हम सारी बहुत सारी बातें क्लियर कर सकें। दोस्तों एक बात और भी है कि अभी तक जो आप व्यू होता है आपका, उसमें हमने देखा है कि आपके व्यू तो होते हैं लेकिन लाइक नहीं होती है। कृपया इस तरह की प्रवृत्ति न रखें, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और आप एक लाइक करने में इतना संकोच करते हैं, कृपया एक तरफा ऐसा व्यवहार न करें जिससे कि हमें भी थोड़ा बूस्टअप होने का मौका मिले। या तो आप लाइक करें या डिसलाइक करें, अदरवाइज हमें भी एक बार आपको मैटर प्रोवाइड करने के लिए सोचना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र द्वारा राज्य सरकारों के साथ बांटा जाता है। दोस्त यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें सेवाओं पर जो कर होता है उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है बड़ा ही हिस्टोरिकल है, और इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमी के क्षेत्र में यह प्रश्न कई बार आ चुका है। दोस्तों आपको इसकी जानकारी रखनी चाहिए, और यह प्रश्न कह रहा है अपवाह सिद्धांत या जो धन निकासी का सिद्धांत है यह किससे संबंधित। दोस्तों यह 1867 में दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। यह अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इन्होंने अपनी पुस्तक में इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित उल्लेखित किया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था जो क्लोज इकोनॉमी के अंतर्गत किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। दोस्तों यह उस क्षेत्र में होता है जहाँ न कोई एक्सपोर्ट होता है, न कोई इम्पोर्ट होता है, न तो निर्यात होता है, न ही आयात होता है। वह देश एक तरह से अछूता होता है, जैसे आप नॉर्थ कोरिया के मामले में इस चीज़ को समझ सकते हैं। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह आपका प्लानिंग से है, जो 5th ईयर प्लान में भारत में योजना अवकाश का समय जाना जाता है। भारत जो है एक उस तरह की अर्थव्यवस्था वाला देश है जिसने आज़ादी के बाद से 5th ईयर प्लान को अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक टारगेटेड प्लान के रूप में अपनाया हुआ है। 1951 से ही पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हो गई थी, जो हेराल्ड डॉमल और सारे भी विश्व पे आधारित था, जिसके संदर्भ में हम आगे बातें करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बात की गई योजना अवकाश, यानी कि किस समय जो है योजना अपने सही रूप में क्रियान्वित नहीं था, तो यह जो 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसके बाद कुछ राजनीतिक स्थितियों के वजह से 1966 से लेकर के 69 के बीच में, यानी ऑप्शन ए जो है इसको हम योजना अवकाश के समय के रूप में जानते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, भारत की किस बैंक ने चीन में सबसे और अगला प्रश्न है भारत की किस बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की। दोस्तों यहाँ जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें जो लार्जेस्ट